हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजाइनर शबाना में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फुल सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। फ्रेंड्स, वीडियो लंबी हो सकती है, थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में आपको एक एक चीज़ बताएंगे कि किस तरह से क्या बनता है। गला, आस्तीन, चाक सब बताएंगे इसमें। सलवार में भी बताएंगे कि सलवार में प्लेटें वगैरह सब किस तरह से डलती है, तो सब बताएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें और एंड तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो एक कम्प्लीट ट्यूटोरियल होने वाला है, तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये हमने सूट के लिए पूरा 4 मीटर कपड़ा लिया है, जिसमें से हमारी जो कुर्ती है ये प्रिंटेड है, थोड़ी सी मतलब प्रिंट में आएगी, और सलवार का जो कपड़ा निकलेगा वो प्लेन निकलेगा। तो देखिए किस तरह से हम कुर्ते का कपड़ा निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो कपड़ा है इसको हम इस तरह से खोल लेंगे, इस तरह से पूरा खोल लेंगे। और ये जो हमारा प्रिंट वाला कपड़ा है, पहले इसको हम इस तरह से टू लेयर में फोल्ड कर लेते हैं, और बाकी का कपड़ा हम एक तरफ कर लेंगे, इस तरह से टू लेयर में फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने टू लेयर में फोल्ड कर लिया है। अब हम इसके सबसे पहले लेंथ ले लेते हैं, तो हमारी जो लेंथ है वो 38 इंच है, और इसमें 2 इंच मार्जिन हम लगा लेंगे, जो हमारे चाक में और ऊपर के शोल्डर में जाएगा। तो ये देखिए 40 इंच हो जाएगी, 40 इंच पे हमें निशान लगा लेना है। हमारा कपड़ा जो बाकी का एक्स्ट्रा है वो इस तरफ है, इसलिए हमें इस तरफ निशान लगाना है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है, इसको हम भी हम निकाल देंगे। ये देखिए, इस तरफ भी 40 इंच और यहाँ पे भी हम 40 इंच का निशान लगा के इस तरह से, और ये दोनों निशानों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं जो हमने निशान लगाया है। ये देखिए, ये हमने कटिंग कर ली, और इस तरफ भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी हम निकाल देंगे। ये देखिए, अभी जो हमारा जो हमें हमारी लेंथ चाहिए वो बिल्कुल निकल गई है। अब हम हमारी कुर्ती के निशान लगा लेते हैं। ये हमारे शोल्डर है 14 इंच, तो हमारे शोल्डर जो है 7 इंच लेने हैं हमें, और हमारे चेस्ट है 31 इंच, तो हमें यहाँ पे 7.5 इंच ले लेने हैं। इस तरह से चेस्ट का जो चौथा भाग होता है वो हम इस तरह से शोल्डर में लेते हैं, और यहाँ पे चेस्ट का जो हमारे 31 इंच है तो इसका चौथा भाग 8 इंच आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे 8 इंच आ गया है, और अब हम कमर का निशान लगा लेते हैं इस तरह से, तो कमर हमारी 14 इंच पे आती है, और हिप हमारे 19 इंच पे आते हैं। तो अब इस तरह से कमर का निशान लगा लेते हैं। कमर हमारी 26 है, तो 6.5 इंच आएगी, और हिप हमारे 32 इंच है, तो 8 इंच आएंगे। इस तरह से इन तीनों लाइनों को इस तरह से मिला लेंगे, और अब हम इनमें 2-2 इंच मार्जिन का भी जोड़ देंगे। हमें हिप पे 2 इंच नहीं जोड़ना है, 1.5 इंच ही जोड़ना है। तो ये हिप हमारे 9.5 इंच हो जाएंगे, और चेस्ट पे भी हमें 2 इंच मार्जिन का लगा लेना है इस तरह से। अब हम इन निशानों को मिला लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इन निशानों को भी मिला लिए। ये हमारी फिटिंग वाले निशान है, और ये हमारे मार्जिन वाले निशान है। यहाँ पे भी हम 1.5 इंच का इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे गोलाई वाली लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अभी जो हमारे हिप 9.5 इंच आ रहे हैं, जो हमें नीचे का दामन लेना है वो यहाँ से 1 इंच ज़्यादा लेना है,
तो वहाँ पे 9.5 इंच आ रहे हैं, तो यहाँ पे 10.5 इंच लेना है इस तरह से। अब इन दोनों निशानों को भी हम मिला लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कुर्ती के जो है निशान लग गए हैं, और अभी बिल्कुल इसी तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कटिंग हो गई है। अब जो हमने ये हिप के निशान लगाए हैं, यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। ये देखिए, ये हमारे कट लग गए हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी काट लेंगे। ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है, इसको हम इस तरफ रख लेते हैं। और ये जो हमारा बाकी का कपड़ा बचा हुआ है, इसमें से हम बैक पार्ट निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमें बैक पार्ट निकालना है, उसके लिए भी हमने कपड़े को टू लेयर में फोल्ड कर लिया है। और जो हमने फ्रंट पार्ट निकाला था, उसको हम इस तरह से रख लेंगे। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल रख लेंगे। और अब बिल्कुल इसी तरह से हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, जो हमारा बैक पार्ट है, इसकी भी हमने कटिंग कर ली है। अभी जो हमारा फ्रंट पार्ट है, इसके आर्म होल हम थोड़े से और कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, ये हमने कटिंग कर ली है, और ये हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो गई है। हिप पर यहाँ पे कट लगा लेने। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी जो कुर्ती की कटिंग है, वो कंप्लीट हो गई है। अब हम सलवार की कटिंग करेंगे, आस्तीन की कटिंग करेंगे, गले की कटिंग करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो के साथ बने रहें। अब हम हमारी सलवार की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सलवार के लिए 4 लेयर में कपड़ा फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, ये हमारी बंद वाली साइड है और ये खुली वाली साइड है। हमें जो सलवार बनानी है, वो छोटी गले की बनानी है। देखिए, जो हमारी सलवार की लेंथ लेनी है, वो हमें 40 इंच लेनी है। तो हमें 8 इंच का इसमें बेल्ट लगाना है। 40 में 8 हम घटाएंगे तो हमारी, और 3 इंच हम मार्जिन का जोड़ेंगे, तो हम 8 इंच का बेल्ट हम इसमें घटा देंगे। तो ये देखिए, ये 8 इंच हम इस तरह से ऊपर निकाल लेते हैं। और ये देखिए, 43 इंच हमारा यहाँ पर आ रहा है। ये हमारी फुल लेंथ हो गई है। अब हमें जो है, सबसे पहले पोचे का निशान लगाना है, कितने इंच का हमें पोचा बनाना है। तो हमें यहाँ पे 6 इंच का बनकर तैयार रखना है। तो 2 इंच इसमें हम मार्जिन का जोड़ लेंगे, तो 8 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं इस तरह से। और जो हम यहाँ पे आसन का निशान लगाएंगे, जहाँ पे हमें छोटी कली जोड़नी है, वहाँ पे हम 17 इंच का निशान लगाएंगे। और इस तरह से दोनों निशानों को जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया दोनों निशानों को मिलाते हुए, और इसी तरह से आप कटिंग भी कर लेंगे। ये हमारी जो कली है, वो हम इस तरह से यहाँ पे जोड़ेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम यहीं पे अटैच करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमें आसन का निशान लगाना है। देखिए, आसन का निशान हम यहाँ पे 6 इंच लगा लेंगे, क्योंकि हमें म्यानी वाली सलवार बनानी है, इसलिए। ये देखिए, अब जो हमने लाइन ड्रॉ करी है, उसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम यहाँ पे म्यानी अटैच कर लेंगे इस तरह से। अभी हम जब स्टिचिंग करेंगे, जब आपको बताएंगे किस तरह से हम म्यानी को अटैच करेंगे। अभी ये जो हमारी बंद वाली साइड है, इसको भी हम खोल लेंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी जो बंद की साइड थी ये भी हमारी, इसको भी, इसकी भी हमने कटिंग कर ली है। अब हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमें इसमें से बेल्ट निकालना है। जो हमारी बेल्ट की चौड़ाई है वो हमें 23 इंच रखनी है और लंबाई हमें 8 इंच रखनी है। इस तरह से अब हम इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। और इसी तरह से हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे बेल्ट की कटिंग हो गई है। इसको भी हम साइड में रख लेते हैं। अब हमारी आस्तीन की कटिंग करनी है हमको। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इस कपड़े में से आस्तीन निकाल लेंगे। तो आस्तीन जो है हमें 16 इंच की निकालनी है और 2 इंच इसमें मार्जिन जोड़ना है। तो हम 18 इंच में निशान लगा लेते हैं और इस तरफ से हमें पूरा 9 इंच आ जाना चाहिए इस तरह से चौड़ाई। और यहाँ पे फिटिंग जो है हमारी 4.5 इंच है और इसमें 2 इंच हम मार्जिन का जोड़ लेंगे। इन दोनों निशानों को इस तरह से हम मिला लेंगे और एक 3 इंच का यहाँ पे निशान लगाएंगे। इस तरफ भी हम 3 इंच का निशान लगाएंगे और इस तरह से गोलाई वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, अब बिल्कुल इसी तरह से हमें कटिंग कर लेनी है, जिस तरह से हमने ये आस्तीन का निशान लगाया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो गई है। फ्रेंड्स, हमारे कटिंग एंड स्टिचिंग के और भी वीडियो है जो आपको हमारे चैनल पे आसानी से मिल जाएंगे, आप उन्हें भी विजिट कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कटिंग आस्तीन की भी कटिंग हो गई है और ये हमारी कुर्ती की भी कटिंग हो गई है। अब हम इसकी गले की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी कुर्ते की कटिंग हो गई है, सलवार की कटिंग हो गई है, बेल्ट की कटिंग हो गई है, आस्तीन की कटिंग हो गई है। अब हमारी जो कटिंग रह गई है वो गले की है। तो देखिए, अब हम बैक साइड का गले की कटिंग कर रहे हैं। तो हमें बैक साइड का गला 2.5 इंच चौड़ाई और 4 इंच इसकी लंबाई चाहिए। इस तरह से हम बैक साइड के गले की कटिंग गोल कटिंग ही करेंगे। इस तरह से गोलाई देते हुए अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये जो हम गोल वाला गला बनाएंगे, इसको भी हम बताएंगे कि किस तरह से गोल गला बनाते हैं। और अरेबियन पट्टी लगती है इसमें। ये देखिए, गोल गले के लिए हम अरेबियन पट्टी निकाल के भी आपको बता देते हैं कि किस तरह से अरेबियन पट्टी लगाते हैं और अरेबियन पट्टी की कटिंग किस तरह से करते हैं। ये देखिए, ये कपड़े का जो खींचने वाला भाग होता है इसको हम इस तरह से रख के कटिंग करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पट्टियाँ निकाल ली है और पट्टियाँ ये देखिए खींच रही है हमारी। इसी तरह से निकाले, इससे हम गोल गले की सिलाई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने अरेबियन पट्टी निकाली है, अरेबियन पट्टी से हम डोरी भी बना सकते हैं और डोरी बना के गोल गले में भी लगा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने जो अरेबियन पट्टी निकाली है, अरेबियन पट्टी से डोरी भी बनती है और डोरी गोल गले में भी काम आ सकती है। लेकिन हम यहाँ डोरी नहीं लगा रहे हैं, आप चाहे तो डोरी लगा सकते हैं। और डोरी की भी हमने वीडियो बना रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं हमारे चैनल से कि किस तरह से डोरी बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, डोरी की वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अब ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम आगे का गला जो बनाएंगे वो इस तरह से बुकरम से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने गले के भी वीडियो डाल रखे हैं हमारे चैनल पे, आपको आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से गले बनाते हैं। बहुत सारे गले डिज़ाइन की वीडियो बना रखी है हमने।
उन्हीं गलों में से हमने ये एक गला बनाया है जिसमें से हम आगे का गला बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, जो हमारे बुकरम वाले गले होते हैं, सबसे पहले हमें उनमें ये कपड़ा अटैच करना होता है इस तरह से। जितना हमारा गला होता है उतना ही हमें कपड़ा लेना पड़ता है, और इस तरह से या तो प्रेस की सहायता से चिपका भी सकते हैं या फिर यहाँ से इस तरह से सिलाई भी लगा सकते हैं। तो आइए हम सिलाई लगा लेते हैं। अब हमें जो सिलाई लगानी है वो एक पेयर का मार्जिन छोड़ते हुए किनौर पर सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनौर पे भी सिलाई नहीं लगानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सिलाई लगा ली है पूरी तरफ, और ये जब हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हमने निकाल दिया है। अब हम हमारे नेक के बीच में कट लगा लेते हैं इस तरह से, दोनों तरफ बराबर करते हुए बीच में हम कट लगा लेते हैं, और कुर्ती पर भी हम शोल्डर को बराबर करते हुए कट लगा लेंगे। ये देखिए, ये हमारे शोल्डर है, इनको बराबर करते हुए इस तरह से हम कट लगा लेंगे। अभी जो हमारे दोनों कट हैं, हमारी कुर्ती को हम सीधा रखेंगे इस तरह से, और जो दोनों कटों को इस तरह से मिलाते हुए बीच में एक सिलाई लगा लेंगे, और फिर उसके बाद में हमारे नेक पर पूरी तरफ जो हमने डिज़ाइन बना रखी है उस पर सिलाई लगाएंगे एक पेयर का मार्जिन छोड़ते हुए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने बीच में सिलाई लगा ली है। अब जो हमारी डिज़ाइन बनी हुई है इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जो हमारी डिज़ाइन बनी हुई है उस तरह से ही हमने सिलाई भी लगा ली है। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर ली है। अभी जो हमारी सिलाई है इसके इस तरफ हमें कट लगा लेने हैं, और छोटे छोटे कट लगाने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे कट लग चुके हैं। अब हम गले को इस तरह से सीधा कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा नेक सीधा हो गया है। अब हमें इस तरह से किनौर किनौर पे सिलाई लगा लेनी है, और या फिर तुरपाई भी कर सकते हैं। हम सिलाई नहीं लगाए, तुरपाई भी करें तो भी चलेगा। तो फ्रेंड्स, हमने तुरपाई की भी वीडियो बना रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से तुरपाई करते हैं गले पे। अभी हमें फ़िलहाल सिलाई लगानी है, तो सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सिलाई लगा ली है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा गला बनकर तैयार हो गया आगे का। अब हम पीछे का गला बनाएंगे। हमने पीछे का गला गोल काटा था। ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे पीछे के गले की कटिंग है वो गोल हुई हुई है, तो हम उसमें उरेबिन पट्टी जोड़ेंगे। हम उरेबिन पट्टी को इस तरह से जोड़ेंगे, इस तरह से पट्टी को रखते हुए अब हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद में हमें इस पट्टी को इस तरह से गले पे अटैच करनी है। थोड़ी सी खींच के इस तरह से लगाएंगे तो गोलाई आराम से बैठ जाएगी।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने उरेबिन पट्टी में सिलाई लगा ली है। अब हम गले में अटैच कर लेते हैं। ये हमारे गले की भी हमने सिलाई लगा ली है। अब ये जो हमारी पट्टी है, हमको इस तरह से इस तरह फोल्ड कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने गले की पट्टी को भी फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा ली है। ये देखिए, ये हमारा पीछे का गोल गला बनके भी तैयार हो गया है। अब हम इस तरह से शोल्डरों को अटैच करके छोटी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो पीछे का गला है वो भी बनकर तैयार हो गया है। और अब हम शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, आगे पीछे के दोनों शोल्डरों को इस तरह से जोड़ते हुए। ये देखिए, इस तरह से जोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने शोल्डर की सिलाई लगा ली है। अब हमें आस्तीन अटैच करनी है दोनों तरफ। तो आस्तीन देखिए किस तरह से हमें अटैच करनी है। ये हमारी जो आस्तीन है वो इस तरह से खुली हुई है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है और इसको इस तरह से सिलाई लगा के, देखिए इस तरह से यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है और फिर इस तरह से हमारी आस्तीन बन जाएगी। तो आइए अब हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अभी जो हमारी सिलाई है उसको इस एक तरफ हम एक तरफ इसका मार्जिन को इस तरह से दबाते हुए हम यहाँ पे ऊपर भी सिलाई लगा लेते हैं ताकि हमारी पक्की सिलाई हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी आस्तीन की पक्की सिलाई हो गई है। ये हमने इसलिए किया है कि हमारा आस्तीन का कपड़ा कम था, इसलिए हमने ये जॉइंट वाली आस्तीन बनाई है। अगर आपके पास कपड़ा सही हो तो आप वो सिंगल वाली आस्तीन भी बना सकते हैं। इस तरह से जॉइंट नहीं लगाना रहता उसमें। अभी जो हमारे आस्तीन के नीचे की बॉर्डर है, हम इसको भी इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने एक तरफ की सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह से हमें किनारे पे भी सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने एक तरफ की आस्तीन जो है कंप्लीट कर ली है। अब हमें दूसरी आस्तीन में भी इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है।
देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी दूसरी आस्तीन भी कंप्लीट हो गई है। हमारी दोनों आस्तीनें कंप्लीट हो गई है। अब हमें इनको कुर्ती पे अटैच करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमें आस्तीन अटैच करनी है। तो देखिए किस तरह से आस्तीन अटैच करते हैं। इस तरह से यहाँ पे रख के और यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और इस तरह से थोड़ी सी खिंचाई करते हुए इस आस्तीन की इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है पूरी तरफ। तो आइए सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने एक तरफ की आस्तीन की सिलाई लगा ली है। देखिए हमारी आस्तीन अटैच हो गई है इस तरह से। अब हम दूसरी आस्तीन अटैच कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी दूसरी आस्तीन भी अटैच हो गई है इस तरह से। देखिए दोनों आस्तीनें हमारी अटैच हो गई है। अब हमें साइड की सिलाई लगानी है। तो देखिए किस तरह से साइड की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों आस्तीनें अटैच कर ली है। फ्रेंड्स, अगर आपको आस्तीन डिज़ाइन की वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से देख सकते हैं किस तरह से आस्तीन डिज़ाइन बना सकते हैं। हमने बहुत सारी डिज़ाइन डाल रखी है चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हैं कि जो भी आपको पसंद आए वो आप बना सकते हैं। अब हम साइड की सिलाई लगाएंगे। तो किस तरह से हमें साइड की सिलाई लगानी है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा हिप का कट है यहाँ से हम 1.5 इंच निशान लगा लेंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पर कमर के निशान पर 2 इंच लगा लेंगे और इसी तरह से चेस्ट के निशान यहाँ पर भी 2 इंच का निशान लगा लेंगे। ये देखिए, और हमें आस्तीन पे भी 2-2 इंच का निशान लगाते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से हमारी फिटिंग वाली सिलाई लग जाएगी और बहुत ही अच्छे से फिटिंग भी हो जाएगी, ना कोई टेंशन भी नहीं रहेगी। उस तरफ भी हम इसी तरह का निशान लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने ये दोनों लाइनें ड्रॉ करी है इसी तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है यहाँ पे। और उसके बाद हमें चाक बनाना है। तो देखिए पहले हम साइड की सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद हम चाक बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने एक तरफ की सिलाई लगा ली है। अब हमें दूसरी तरफ की भी फिटिंग वाली सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। ये हमने दूसरी तरफ की भी साइड की सिलाई लगा ली है। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने दोनों तरफ की साइड की सिलाई लगा ली है। अब हमें चाक बनाने हैं कुर्ती के। तो देखिए किस तरह से चाक बनाते हैं। इस तरह से कपड़े को हम 2 फोल्ड में इस तरह से रख लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है और उसके बाद जो हमारी साइड की सिलाई है वहाँ से हमें इस तरह से इंची टेप से नाप लेना है। ये देखिए, ये हमारी साइड की सिलाई से यहाँ तक 8 इंच आ रहा है। तो हमें जो नीचे का दामन लेना है वो इस साइड की सिलाई से 1 इंच ज़्यादा लेना है। तो हम यहाँ पे 9 इंच ले लेते हैं इस तरह से। अब हम सभी कपड़ों पे इसी तरह से निशान लगा लेंगे।
इंची टेप को बिल्कुल यहीं पर रखते हुए ये देखिए हमने निशान लगा लिए हैं। अभी जब हमारा चाक फोल्ड होंगे तो हम इसी निशान के यहाँ से फोल्ड कर लेंगे और बिल्कुल यहाँ पे इस तरह से सीधे बन जाएंगे चाक, बिल्कुल कोई झोल नहीं आएगा चाक में और बिल्कुल सीधे बन जाएंगे और बिल्कुल इजीली तरीके से बन जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम चाक बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा जो निशान है इस तरह से इस निशान तक हमें फोल्ड कर लेना है। ये निशान हमारा बंद वाली साइड में आ जाना चाहिए और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने एक साइड के चाक की सिलाई लगा ली है। अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरह से फोल्ड करेंगे। हमने निशान चारों तरफ लगा रखे हैं इसलिए इस तरह से हमने निशान लगा रखा वहाँ तक ही हमें फोल्ड करना है और हमारे चाक बिल्कुल सीधे ही आएंगे। इस तरह से अगर हम निशान लगा के चाक बनाएंगे तो बिल्कुल सीधे ही चाक बनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे पक्की सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारे चाक निकले नहीं। हमने पक्की सिलाई लगा ली है और ये हमारे एक तरफ के चाक कंप्लीट हो गए। अब हमें दूसरी तरफ के चाक कंप्लीट करने हैं। देखिए फ्रेंड्स ये हमारे चाक की सिलाई लग गई है। ये हमें एक तरफ की ओर लगानी है। देखिए देखिए फ्रेंड्स जिस तरह से हमने उस तरफ पक्की करी थी सिलाई उसी तरह से इस तरफ भी पक्की कर लेंगे ताकि हमारे चाक वाली सिलाई निकले नहीं। अब हम दामन के चाक बना लेंगे इस तरह से फोल्ड करके। ये देखिए हमारे ये एक दामन की सिलाई लग गई है। अब हम इस तरह से ही यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। जो हमारा फ्रंट दामन है इस पर भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये हमने हमारे चाक बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो हमें इस तरह से किनारे पे सिलाई लगानी है इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे पे हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमने इस तरफ की सिलाई लगा ली है। अब हमें इस तरफ की सिलाई भी लगा लेनी है।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे चाक बिल्कुल बनकर कंप्लीट हो गए हैं। इस तरह से हमने दोनों सिलाइयाँ लगा ली है, देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कुर्ती बनकर तैयार हो गई है। और देखिए किस तरह से कुर्ती बनी है, और ये देखिए साइड की सिलाई बिल्कुल गोलाई में आई है। जिस तरह से हमने निशान लगाया था, उसी तरह से हमने दोनों तरफ की साइड की सिलाई लगाई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, अब हम इसकी सलवार वाली सिलाई करेंगे, जो हमने कटिंग करी है सलवार की, उसकी अब हम स्टिचिंग भी कर लेंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से हम सलवार की स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हमें कलियाँ जोड़नी है, तो हम इस तरह से बताएंगे आपको किस तरह से कलियाँ जोड़ेंगे। हम एक पार्ट को ले रहे हैं अभी, तो ये देखिए, ये हमारी जो पार्ट की साइड है, इस तरफ हम कली को जोड़ेंगे। देखिए इस तरह से हमें कली जोड़ लेनी है, और हमारी कली सिर्फ यहाँ तक ही आएगी क्योंकि हमने छोटी कली वाली सलवार बनाई है। तो ये देखिए, इस तरह से हमें कली जब जॉइंट होएगी तो इस तरह से हमारी कली बनकर तैयार हो जाएगी। और इसी तरह से हमें उस तरफ भी जोड़ लेनी है, और दूसरे पार्ट में भी हमें इसी तरह से जोड़ लेनी है। तो आइए अब हम कली जोड़ लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी एक कली जुड़ चुकी है। अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरह से कली जोड़ लेंगे। अब ये देखिए, ये हमारी दूसरी कली भी जुड़ गई है। अब हम इसी तरह से दूसरे पार्ट की भी कलियां जोड़ लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों तरफ की कलियाँ जॉइंट कर ली है। अब हमें आसन की सिलाई लगानी है, तो देखिए किस तरह से आसन की सिलाई लगाएंगे और मैनी अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस तरह से, जिस तरह से हमने कली जोड़ी, इस तरह से सीधी आसन की सिलाई लगानी है। दोनों तरफ आसन की सिलाई लगानी है और फिर मैनी अटैच करनी है। तो मैनी अटैच करना आपको हम सिलाई में ही बताएंगे, किस तरह से आसन के नीचे मैनी को अटैच करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये हमारी मैनी है, इस तरह की कटिंग होती है मैनी की। और उसके बाद ये इस तरह से, देखिए इस तरह से हम यहाँ पे जॉइंट वाली सिलाई लगाते हैं, और इस जो बन के हमारी यहाँ से इस तरह से सिलाई लगाते हैं, इस तरह से करके और यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। उसके बाद हमारी मैनी जो बनकर तैयार होती है वो इस शेप में तैयार होगी, ये देखिए। उसके बाद हम आसन के नीचे यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करते हैं। हमारे सलवार में जो अटैच करेंगे वो यहाँ से इस तरह से अटैच करेंगे दोनों तरफ, और उसके बाद हमारी मैनी उसमें अटैच हो जाएगी। तो आइए अब हम सिलाई करके बताते हैं आपको कि किस तरह से हम आसन की सिलाई लगाएंगे और मैनी अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम मैनी के बीच में सिलाई लगा लेंगे, जिस तरह से हमने बताई है कि मैनी हमारी बीच में से सिल के किस तरह का शेप ले लेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने मैनी की सिलाई लगा ली है। अब हमें पक्की सिलाई लगाने के लिए, पक्की सिलाई करने के लिए यहाँ पे एक सिलाई और लगा लेंगे ऊपर।
ये देखिए ये हमारी पक्की सिलाई भी हो गई है और ये हमारी मैनी बनकर तैयार हो गई है। अब हमें इसको सलवार में अटैच करना है, तो देखिए किस तरह से हम अटैच करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा आसन का निशान है, यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे, जिस तरह से हमने आपको बताया है कि मैने को किस तरह से रखना है, इस तरह से यहाँ पे रख के और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो ये सिलाई लगा लेते हैं। अब यहाँ पर भी हम पक्की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे म्याने सलवार में अटैच हो गई है एक तरफ, और दूसरी तरफ भी हम जब दूसरे आसन की सिलाई लगाएंगे तब हम इसको जॉइंट कर लेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमें दूसरी तरफ भी म्यानी अटैच करनी है, तो हम किस तरह से अटैच करेंगे, जिस तरह से हमने उस तरफ बताया है उसी तरह से हमें इस तरफ भी अटैच करनी है। इस तरफ म्यानी नीचे रहेगी और आसन की जो साइड है वो ऊपर रहेगी इस तरह से। ये देखिए, ये हमारी म्यानी नीचे है और ये जो हमारा कपड़ा है वो ऊपर आएगा इस तरह से, और अटैच कर लेंगे अब। ये देखिए फ्रेंड्स, अब जिस तरह से हमने उस तरफ पक्की सिलाई लगाई थी, इस तरफ भी पक्की सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी पक्की सिलाई लग गई है, अब हम दूसरे पार्ट को अटैच करेंगे इसमें और आसन की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे म्याने और आसन दोनों जॉइंट हो गए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम दूसरी तरफ के आसन की भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे जिस तरह से हमने उस आसन की लगाई थी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूसरा आसन और म्याने भी जुड़कर तैयार हो गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे आसन और म्याने अटैच हो गए हैं। अब हमें प्लेटें डालनी है, तो किस तरह से प्लेटें डालेंगे, देखिए फ्रेंड्स, अब हम प्लेटें डालेंगे। किस तरह से हम प्लेटें डालते हैं, इस तरह से हमें डाल लेनी है। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से हमें सभी प्लेटें डाल लेनी है और अब हम उस तरफ की प्लेटें डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें प्लेटें डाल लेनी है बिल्कुल, ये इतना इतना कपड़े का गैप देते हुए इस तरह से। देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारी प्लेटें हैं उनका मुंह उस तरफ है और वो जो प्लेटें हैं इनका मुंह इस तरफ है, मतलब कि इन दोनों प्लेटों का मुंह आमने सामने है। तो इसी तरह से प्लेटें डालें आप भी। अब हम इसी तरह से प्लेटें डालते हुए बेल्ट अटैच कर लेंगे। तो देखिए किस तरह से हम बेल्ट बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बेल्ट की कटिंग कर रखी है और यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है।
और यहाँ पे भी हमें सिलाई लगा लेनी है और इस तरफ हमें नेफा बना लेना है। तो आइए अब हम पहले बेल्ट बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम बेल्ट के बैक साइड की सिलाई लगा रहे हैं। बैक साइड की सिलाई सीधी ही लगती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे बैक साइड की सिलाई लग गई है। अब हमें जो आगे की सिलाई लगानी है वो देखिए किस तरह से लगानी है। हमें नेफा भी बनाना है। अब हम सबसे पहले 1 इंच चौड़ी सिलाई लगाएंगे। 1 इंच का इस तरह से मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ दिया है। अब हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सिलाई लग गई है। अब हमें इसके बाद क्या करना है, इस तरह से यहाँ पे रखना है और जो हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ा है उसको इस तरह से करते हुए यहाँ पे फोल्ड कर लेना है। इस तरह से ये फोल्ड करके और यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से सिलाई, इस तरफ से सिलाई लगानी है और यहाँ से उसके बाद हमें यहाँ से भी सिलाई लगा के और इस वाली तरफ भी हमें जो हमारा कपड़ा है उसको फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो देखिए किस तरह से सिलाई लगाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जिस तरह से आपको बताया था कि हमें कपड़ा फोल्ड करके सिलाई लगानी है उसी तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, ये जो नेफा है हमारा, इस तरह से हमारा जो कपड़ा है इसको इस तरह से फोल्ड करके हमें नेफा बना लेना है। इस तरह से 1-1.5 इंच हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो आइए सिलाई लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने नेफे की सिलाई लगा ली है और हमारा नेफा बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए इस तरह से हमारा बेल्ट बन जाता है। अब हमें क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी आगे की सिलाई है और ये हमारी पीछे की सिलाई है। दोनों सिलाइयों को बराबर करते हुए इस तरह से रख लेंगे और अब हमें साइड कट लगाने, इस तरह से दोनों सिलाई बराबर हो जाएगी। उसके बाद हमें इस तरफ साइड कट लगाने, दोनों तरफ हमें साइड कट लगा लेने हैं। ये देखिए हमने कट लगा लिए हैं, दोनों तरफ हमने कट लगा लिए हैं। अब हमें प्लेटें डालनी है। तो जिस तरह से हमने आपको प्लेटें डाल के बताई है उसी तरह से हम यहाँ पे बेल्ट पे प्लेटें डालेंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने प्लेटें डाल ली है। अब हम आपको बताते हैं किस तरह से हमारी प्लेटों का लुक आया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी दोनों तरफ की प्लेटें डल गई है और देखिए कितना सुंदर लुक आ रहा है। देखिए अब हमें मोरी बना लेनी है। तो फ्रेंड्स, हमने सलवार कटिंग एंड स्टिचिंग की और भी वीडियो डाल रखी है, आप हमारे चैनल से देख सकते हैं कि किस तरह से सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग करते हैं, और अलग अलग कलियों की हमने डाल रखी है, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने मोरी के लिए ये बुकरम ली है और हमारे हमने नीचे ये कपड़ा भी लिया है। इस तरह से हमें बुकरम पे अटैच करना है इसको, इस तरह से करके हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे और इसको बराबर करके ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कटिंग करके और यहाँ से हम हमारे सलवार पे अटैच करेंगे। तो आइए अब हम सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों बुकरम की सिलाई लगा ली है इस तरफ। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी हम काट के अलग कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था उसकी हम कटिंग करके हमने अलग कर दिया है। अब हम इसको हमारे जो सलवार का पोचा है उस पर अटैच करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे सलवार का पोचा है। अब हम इसको इस तरह से अटैच करते हैं। ये देखिए, इस तरह से अटैच करके यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे और फिर इसके बाद इसको यूँ फोल्ड करके किनार पे सिलाई लगा लेंगे। तो पहले सबसे पहले हम यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने एक तरफ की सिलाई लगा ली है। जो हमारी एक तरफ का पोचा है उसको हमने बुकरम से अटैच कर लिया है। अब हम दूसरे पोचे पे बुकरम अटैच कर लेंगे। ये देखिए, हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको देखिए, ये हमारी जो सिलाई है इसको इस तरह से करते हुए इस तरह फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए, ये हमने हमारी मोहरी के किनारे पे सिलाई लगा ली है। अब हम बाकी सिलाई भी इसी तरह से लगाएंगे और हमें अगर डिज़ाइन वाली मोहरी बनानी है तो डिज़ाइन वाली मोहरी भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम मोहरी की कई तरह की डिज़ाइन वाली वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल से देख सकते हैं कि किस तरह की आपको मोहरी पसंद है उसी तरह से आप मोहरी बना लें। लेकिन हम यहाँ पर लहरिए वाली मोहरी बनाएंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी लहरिए वाली डिज़ाइन बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी मोरी बनकर तैयार हो गई है। अब हमें मोरी की साइड की सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए किस तरह से हमें मोरी की साइड की सिलाई लगानी है। जितने हमें मोरी की फिटिंग रखनी है, 6 इंच या 7 इंच उतने हम रख लेंगे। तो हमें यहाँ पे 6 इंच ही रखनी है। तो हमें यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें मोरी 6 इंच की रखनी है। यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं इस तरह से। अब हम यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पे भी निशान लगा रखा है 6 इंच का। तो हमने उस तरफ से शुरू करी थी सिलाई और इस तरफ आ गई है। तो अब यहाँ पे हम सिलाई पूरी कर लेते हैं और हमारा सलवार जो है बनकर कंप्लीट हो जाएगी। और अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम काट के अलग कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम काट के अलग कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमारा था उसकी भी हमने कटिंग कर ली है और अब हमारी सलवार बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको सीधी कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा सूट बनकर कंप्लीट तैयार हो गया है। ये कुर्ती है और ये हमारी सलवार है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कंप्लीट हो गया है हमारा सूट पूरा। ये हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो लंबा ज़रूर हो गया है लेकिन मैंने इसमें एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से समझाने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके।